हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का टेको टॉक एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम रिव्यू कर रहे हैं न्यूली लॉन्च स्कॉर्पियो एन को। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पर मैं आपकी क्वारीज पर जल्दी रिवर्ट कर दूँगा। सो आप देख सकते हैं जो इसका स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड इतना ज़्यादा हाई है ना कि यहाँ पर पास में एक्सयूवी 700 भी खड़ी है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उससे भी हाई है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टांस इस कार का रखा गया है, जो कि इसका नाम भी रखा गया ना वो बिल्कुल सही रखा गया है भाई, बिल्कुल जस्टिफाई करती है अपने नाम को। देखने में इतनी ज़्यादा शानदार ये गाड़ी लग रही है, एंड फ्रंट से देखें आप इसे पूरा कम्प्लीटली कितनी सही ये कार लग रही है। सामने आप देखें तो आपको इसमें क्रोम फिनिश में ग्रिल देखने के लिए मिल रही है, क्रोम एंड मैट फिनिश में देखने के लिए मिल रही है, प्लस महिंद्रा का न्यू लोगो, नीचे आपका कैमरा एंड क्रोम। देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम वर्क करा गया है फ्रंट में ही, ग्रिल में आपको क्रोम देखने के लिए मिल रहा है, हेडलाइट के नीचे आपको क्रोम देखने के लिए मिल रहा है, हेडलाइट के अंदर आपको क्रोम देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रोम काफ़ी ज़्यादा है इस कार में, एंड नीचे भी देखोगे आप फॉग लैम्प के पास भी आपको यहाँ पर क्रोम देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट में भी आपके सेंसर्स देखने को मिल रहा है, एंड नीचे जो कवरिंग आपको देखने के लिए मिल रही है एक बार फुल सिल्वर कलर की कवरिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। बम्पर यहाँ पर सिंगल टोन बम्पर देखने को मिल रहा है, बॉडी क्लब बम्पर ही देखने को मिल रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। एंड ये डार्क कलर है, ब्लैक तो नहीं कहूँगा, पूरी लाइट नहीं है, ब्लैक कलर, ब्लूइश ब्लैक कलर है ये, डार्क ब्लू कलर है ये। एंड हेडलाइट्स आप देखें, LED हेडलाइट्स है, प्रोजेक्टर है लोअर, एंड लोअर भी LED है, एंड हाई बीम भी आपको LED प्रोजेक्टर ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी LED DRLs देखने के लिए मिल जाती है। ORVM पर ही आपको यहाँ पर इंडिकेटर माउंट दिया गया, एंड यहाँ पर भी देख सकते हो ORVM पर भी क्रोम वर्क देखने के लिए मिल रहा है, तो क्रोम काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो टायर है, टायर 17 इंचेस का देखने के लिए मिलता है, 245/65 के रेशियो में ये टायर आता है। एंड देखिए डायमंड कट अलॉयज आपको फ्रंट में डिस्क देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी अच्छा हाइट है बोनट का, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बोनट। नीचे आप देखोगे विंडो गार्निश भी देखने को मिल रही है, विंडो बीडिंग क्रोम में, नीचे आप देखें नीचे से पूरा बॉडी कवर्ड है देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको स्टेप इन करने के लिए भी स्टेप देखने को मिल जाता है, इजीली स्टेप इन करने के लिए, अभी मैं बैठा नहीं हूँ, जब बैठता हूँ तब दिखाता हूँ। एंड रेयर पर भी आपको डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, रेयर पर भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पर एक छोटी सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, प्लस आपकी रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, एंड रियर का जो टेल लाइट सेटअप है वो पूरा टोटली चेंज हो गया है, ये सारा LED में देखने को मिल रहा है, मतलब ये तो आए नई कार है तो पूरा नया है, तो LED में देखने के लिए मिल जाता है। एंड नीचे इंडिकेटर ये सब क्रोम सब क्रोम में देखने को मिल रहा है, ऊपर स्पॉयलर प्लस आपका शॉक पिन एंटीना एंड वॉशर प्लस ब्रेक लाइट डी फॉगर्स, एंड आपको पीछे की साइड आपको वाइपर भी देखने के लिए मिल जाता है। बैक व्यू की बात करें तो बैक से कार कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी ज़्यादा हाइट लग रही है कार की। एंड नीचे देखें क्रोम स्कॉर्पियो की बैजिंग, एंड आपका जो रियर डोर हैंडल है वो भी बॉडी कलर प्लस क्रोम में, प्लस रिक्वेस्ट सेंसर, आपको ड्राइवर डोर एंड को पैसेंजर डोर पर भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है, नीचे भी क्रोम फिनिश, प्लस आपका रिवर्स लाइट देखने के लिए मिल जाती है, एंड आपके पार्किंग सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की आप कवरिंग देख सकते हैं सिल्वर ही दी गई है। सो एक बार करते हैं इसका बूट ओपन, बूट जो है हाइड्रोलिक का है इसका, आप इसको इतना कर दें देखें खुद ओपन हो जाता है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश दी गई है यहाँ पर भी देखें ना, प्रीमियम प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक यूज़ करी गई है, एंड जो ये डोर हैंडल है खोलने के लिए भी रेयर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा पेंट इन पर करा गया, सिल्वर फिनिश की गई है मीन्स। एंड जो ये सीट्स हैं आप इनको भी फोल्ड कर सकते हैं, 7-सीटर आता है वैसे तो, बट इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं एंड निकाल भी सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपको काफ़ी ज़्यादा बूट मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको यूज़ करें और ये 7-सीटर कार बन जाती है आपकी। सो आप एक बार यहाँ से व्यू देखें, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, रेयर तक आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्लस रेयर पे भी सीट बेल्ट देखने को मिल रहा है, तो मैंने 7 सीट बेल्ट भी आ रही हैं इसमें। ऊपर आपको देखो
सेपरेट रीडिंग लाइट्स वगैरह सब देखने के लिए मिल रही है। तो चलो चलते हैं एक बार कार के अंदर, देखते हैं अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर देखें तो डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता है, डोर लेदर फिनिश में देखने के लिए मिल रहा है पूरा। एंड ये देखें पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर पूरा आपका विंडो कंसोल देखने को मिल जाता है, ORVM कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो ग्रैब हैंडल है वो सिल्वर फिनिश में देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे आपको एक स्पीकर प्लस आपका बॉटल होल्डर एंड थोड़ा सा और स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको ट्विटर भी माउंट दिया गया। ऊपर बैठ जाते हैं फिर देखते हैं कि और क्या क्या देखने को मिलता है। सो भाई अंदर आ गए हैं कार के, जो सीट्स हैं ये लेदर स्टिच सीट्स देखने के लिए मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, प्रीमियम सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड जो इनका साइड होल्डिंग्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड जो ये आपका आर्मरेस्ट है वो भी आपका लेदर स्टिच आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ही मतलब गहराई तो बहुत ज़्यादा कम है, आप इसमें अपनी की ही रख सकते हैं, जैसे उन्होंने कह रखा है आप अपनी की रख दो बस। एंड यहाँ पर कप होल्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेदर फिनिश में ही देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी अच्छा गियर लीवर है, सिल्वर फिनिश साइड में देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग आती है। टेस्ट कर लेते हैं कितना करता है या नहीं करता है एक बार। गाड़ी को करा है मैंने इग्निशन ऑन, तो टेस्ट करना है हमें तो बस वायरलेस चार्जिंग कैसी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो स्टार्ट स्टॉप स्विच दिया गया क्रोम फिनिश के साथ आता है। एंड ये भी ना सारा ये लेदर फिनिश में है भाई, लेदर फिनिश में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम है। सोने का म्यूज़िक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, IRVM यहाँ पर मैनुअल है। एंड सनग्लास होल्डर काफ़ी अच्छा है। एंड आपको ऊपर रीडिंग लाइट्स के लिए स्विच दिया गया है, LED में दी गई है भाई, LED में, बहुत अच्छी बात है। ऊपर आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस मौसम में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बारिश में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी जो आपका यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपका ये होम स्क्रीन है, आप देख सकते हैं ये सब कुछ मतलब स्मूथ है। एंड जो एप्लीकेशन है वो आप देख लेते हैं, पता नहीं क्या एप्लीकेशन, भाई मैं बंद ही कर देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या एप्लीकेशन है। तो इसमें भी अभी शायद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आ रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश में पूरा कंसोल देखने को मिल रहा है, साइड में सिल्वर फिनिश, नीचे भी आप देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश एंड सिल्वर फिनिश। ठीक है, ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो ये ऑन है, पता नहीं क्यों ऑफ करना है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। बाकी आपका वायरलेस चार्जर तो अभी तक ऑन हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, मेरा तो फ़ोन वायरलेसली चार्ज होता है। बाकी यहाँ पर आपको दो चार्जिंग स्लॉट्स और देखने को मिल जाते हैं। USB इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर एनालॉग देखने के लिए मिल रहा है, वो एक डिस्प्ले के पीछे है तो इसलिए आपको डिजिटल सा लगता है, बट आपको एनालॉग ही देखने के लिए मिलता है। बाकी आप यहाँ से अपना देख सकते हो हर एक चीज़, इतनी सारे यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं ना। अब आपको यहाँ पर आपके म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल, कॉल कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, या क्रूज़ कंट्रोल वगैरह। एंड आप यहीं से अपना MID का जो डिजिटल डिस्प्ले दिया गया उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो है ज़्यादा ही, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। नेविगेशन भी अगर सामने ही दिख जाए तो बहुत अच्छे फीचर होता है ये, क्योंकि आपको बार बार अलग से नहीं देखना पड़ता, तो वो फीचर काफ़ी सही लगता है मेरे को तो। नेविगेशन अगर आपको सामने ही मिल जाए तो ये व्हीकल इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर टायर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, टायर प्रेशर आपको पता चल जाते हैं, काफ़ी सही सही ऑप्शन आपको इस व्हीकल में देखने को मिल रहे हैं अब। एंड ये आपका स्टीयरिंग टिल्ट हो जाता है, टेलीस्कोपिक होता है क्या? नहीं भाई ये टेलीस्कोपिक नहीं होता। एंड जो इसका बोट है बोनट है वो पूरा आपको यहाँ से विजिबल है। ग्रैब हैंडल इसमें भी एंट्री के लिए देखने को मिल जाता है, SRS एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो डैशबोर्ड है एयर कूल डैशबोर्ड प्लस LED लाइट के साथ में आ रहा है, काफ़ी हल्की प्लास्टिक यूज़ करी गई है। वहाँ पर आपके वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आपका पियानो ब्लैक फिनिश सिल्वर फिनिश में देखने को मिल रहा है। डी शेप स्टीयरिंग प्लस स्टिचिंग आपकी आ रही है, स्टिचिंग मैं कह सकता हूँ कि और बेटर हो सकती थी, उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं लग रही जितनी अच्छी आपकी सीट्स हैं। तो आपको सीट्स के मैचिंग का आपका एटलीस्ट आपको यहाँ पर रैप देना चाहिए था, वो थोड़ा सा मिस आउट लग रहा है मेरे को। एंड जो क्लच है, क्लच काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। चलो यही सब था इस कार में। ऊपर की साइड आपको यहाँ पर भी छोटे छोटे से स्पीकर्स या माउंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड जो सनरूफ है उसे आप यहाँ से सिंगल टच से खोल सकते हो, ये खुल जाती है सिंगल टच से। कुछ ऐसा व्यू है, अंदर थोड़ा सा ठंडा सा आने लगा है। और
ऐसे ही ये बंद हो जाती है। तो एयर कंडीशन तो इसका ऑन हुआ नहीं जैसा मैं चाह रहा था कि हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो चीज़ मेरे को लगा कि यार बैटरी पे तो एयर कंडीशनिंग ऑन होती ही नहीं है इसकी। पीछे चलते पीछे देखते हैं कितना स्पेस है, एंड ये सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेबल, एंड ये ना इलेक्ट्रिकली हो जाती है, ये देखो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है आपकी ड्राइवर वाली, तो वो काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो चलते हैं एक बार पीछे और पीछे देखते हैं कि पीछे आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल रहे हैं। रियर डोर भी आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाता है, वैसा ही सब कुछ, लेदर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर फिनिश, एंड नीचे एक स्पीकर प्लस बॉटल स्पेस, एंड इसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हो, एंड ये यहाँ से फोल्ड हो जाती है, सॉरी इसको यहाँ से हम फोल्ड कर सकते हैं, है ना। रिक्लाइन तो आप जितना मर्जी चाहो उतना इतना ही आता है, इसमें तो ज़्यादा आप रिक्लाइन नहीं कर सकते। 60-40 के रेशियो में बंद हो जाती है सीट, काफ़ी अच्छा है, एंड आप इजीली अंदर जा सकते हैं इसमें। थोड़ा ग्रैब हैंडल होता है यहाँ पर तो और अच्छा लगता है, मेरे को ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया, दे देना चाहिए था। बाकी पीछे आप देख सकते हो एसी कंसोल है, सी टाइप चार्जिंग स्लॉट पीछे मिला है भाई, आगे भी था भाई, आगे भी सी टाइप चार्जिंग स्लॉट है, बट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा कर के देखना पड़ेगा यार उसके लिए, मुझे दिखाई नहीं वो आगे, काफ़ी नीचे जा कर के देखना पड़ता है। सी टाइप चार्जिंग स्लॉट आगे भी है, दो पीछे आपको एक मिल रहा है, एंड आप यहाँ से भी अपना फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं रियर एसी की। ऊपर भी LED रीडिंग लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, एंड ये वाली जो रीडिंग लाइट है मेरे को तो यार ये जलाने का मन है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, छोटी छोटी सी लाइट है। वहाँ पर भी आपको ट्विटर वगैरह स्पीकर वगैरह दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम होने वाला है इसका कार का, वो तो बाकी जब सुनते तब बताते हैं। ईजी टू एंट्री है, 6 एयर बैग जिसमें आपको आ रहे हैं, देखें आप साइड में भी एयर बैग है, काफ़ी अच्छी एंड प्रीमियम कार है। ऑल द प्राइसिंग इसकी जो स्टार्ट हो रही है 12,49,000 से, एंड जाती है 23,99,000 तक, ये सब इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग है। आपके सिटी के अकॉर्डिंग ये ऑन रोड प्राइसिंग इसकी वेरी कर सकती है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।